सो सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस के एक अनदर क्लास में वेलकम है। और प्रीवियस टॉपिक्स आपको ऑलरेडी समझ में आ रहे हैं, जिनका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उसके लिए थैंक यू। एंड अभी हमारा जो लेक्चर रहने वाला है अबाउट डेटा टाइप चल रहा है क्लास 10 कंप्यूटर में, चैप्टर नंबर 2 जो है कैरेक्टर सेट डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, जिसमें हमारा ऑपरेटर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ऑपरेटर के जो टाइप्स हैं वो चल रहे हैं, और ये प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं इनका आपको लेक्चर देखना है, इनका आपको क्लासेस पढ़ना है। सो आप प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के सेक्शन में, या फिर आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इनको पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने डेटा टाइप की तरफ, या फिर कह लें हमारा डेटा टाइप नहीं, ऑपरेटर चल रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। सो ऑपरेटर की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हमने देख लिया था असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। सो इतने हमने देख लिए थे। आज हमने देखना है अबाउट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और आगे की जो ऑपरेटर के टाइप हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर को। सो इस ऑपरेटर का उपयोग तार्किक रूप में दो संबंधवाचक ऑपरेटर को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। दो संबंधवाचक, संबंधवाचक जो हमारे मतलब दो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं उनके बीच लॉजिक जो होता है उनको ऐड करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है, क्या एक्स 5 से बड़ा है, जो हमारा क्या एक्स है वो 5 से बड़ा, यह क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो सत्य 1 या फिर असत्य 0 होगा। उसी तरह से क्या एक्स 20 से कम है, ये भी एक हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन को हम अगर लॉजिकल ऑपरेटर रूप में जोड़ सकते हैं, तो क्या एक्स 5 से बड़ा है और 20 से छोटा है, या दोनों हम एक साथ भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे, क्या जो हमारा एक्स है वो 20 से कम है, या फिर इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, क्या एक्स 5 से बड़ा है, ठीक है, क्या एक्स जो है हमारा 5 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या एक्स 5 से बड़ा है, और उसके बाद जो दूसरा है और 20 से छोटा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ऑपरेटर, और 20 से छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और 20 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर का। अब देख लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है और दूसरा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशनल है, ठीक है, रिलेशनल लॉजिकल और ये रिलेशनल, दो रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जहाँ पर दो चीज़ें एक साथ, दो एक्सप्रेशन दो एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, वो भी कौन से आती हैं, रिलेशनल वाले आती हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का उन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। एंड का जो साइन होता है वो क्या होता है, सिंबल ऐसा होता है, और का इस तरीके से होता है, और नॉट का हमारा ये वाला होता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको आई होप समझ में आ गया होगा, विथ एग्जाम्पल मैंने इसलिए समझाया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल को एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है हमारा, क्या एक्स हमारा 5 से बड़ा है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 5, और के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एंड का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, एक्स हमारा 20 से छोटा है, ठीक है, एक्स इज लेस देन 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट एक्सप्रेशन बन गया किसका, लॉजिकल ऑपरेटर का। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, या फिर कह लें रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और हमारा दो रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो परफॉर्म कर रहा है उन दोनों के कंपैरिजन को दिखाने के लिए, उन दोनों की तुलना को दिखाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारा जो वृद्धि या फिर कमी ऑपरेटर हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो हमारा वृद्धि तथा कमी ऑपरेटर जो होता है वो एकल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एकल ऑपरेटर या फिर यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं एकल ऑपरेटर, ठीक है। सो जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है होता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकल ऑपरेटर, क्योंकि यह केवल एक आंकड़े या एक वेरिएबल पर परफॉर्म करता है, ठीक है। सी में दो तरीके के एकल ऑपरेटर होते हैं, पहला हमारा इंक्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग वृद्धि करते हैं, दूसरा हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जिसके द्वारा हम लोग लेस का कार्य करते हैं, कमी का कार्य करते हैं। जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उनका आप सिंबल देख सकते हैं, इंक्रीमेंट के लिए हम दो बार प्लस का साइन लगाते हैं, डिक्रीमेंट के लिए हम लोग दो बार माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कुछ एक्स प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को डिक्लेयर किया है दो, डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा x का वैल्यू पहले दो है, अब यहाँ पे इस ऑपरेटर के वजह से, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के वजह से x की जो वैल्यू है वो तीन हो जाएगी, ठीक है। कैसे तीन हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, दो बार प्लस का साइन लगाया हुआ है, मतलब इसका ये है कि जो हमारा x का वैल्यू है वो दो से बढ़ करके एक इंक्रीमेंट हो गया है, ये हमारा तीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 5, और उसके बाद हमने क्या किया, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से हमने इंक्रीज कर दिया, एक बढ़ा दिया, अब हमारा जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट ये हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। सो जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर का उपयोग सामान्य शर्तों में किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो कंडीशन होते हैं उसमें किया जाता है। या सी में एक मात्र ऐसा ऑपरेटर होता है जो तीन एक्सप्रेशन पर कार्य करता है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर होते हैं वो तीन एक्सप्रेशन पे कार्य करते हैं, ठीक है। और जो ऑपरेटर आपने पढ़े हैं वो दो पे कार्य करते थे, जैसे हमने लॉजिकल देखा उसके लिए दो ही एक्सप्रेशन वहाँ पे थे, उससे पहले हमने रिलेशनल देखा उसमें भी हमने देखा, बट जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो तीन एक्सप्रेशन पर कार्य करता है। जैसे देखो एग्जांपल, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन सेकेंड एंड एक्सप्रेशन थर्ड, ठीक है। और इनका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, नॉर्मल जो कंडीशन होते हैं, नॉर्मल जो शर्तें होती हैं उनके लिए किया जाता है। जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसको हम लोग कंडीशनल, ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क का जो साइन है उसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। यदि हमारा एक्सप्रेशन 1 सत्य होगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 2 पर प्राप्त होगा, तथा अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट रॉन्ग होगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 3 पर प्राप्त होगा। इस प्रकार यह कार्य करता है, ठीक है। किस प्रकार यह कार्य करता है, जैसे हमारा एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल ऑपरेटर में। सो ये इस प्रकार कार्य करता है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सो जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा, एक्सप्रेशन सेकंड पे मिलेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा। अगर हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट रॉन्ग है, गलत है, फाल्स है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेशन 3 पे हमको मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मैक्स इक्वल टू एक्स इस, यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल, मतलब ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, फिर उसके बाद एक्स एंड वाई दिया गया है। सो इसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन वाई से बड़ा होगा, तो मैक्स वेरिएबल में एक्स का मान संचित हो जाएगा, और यदि हमारा जो वाई एक्स से बड़ा होगा तो वाई का मान मैक्स मान में संचित हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 3। अब देख लीजिए, इसको इसमें रख लीजिए, P इक्वल टू एक्स में यहाँ पे दे दिया गया है लेस देन वाई, ठीक है। सो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। इसी प्रकार से हमारा ये कार्य करता है, लॉजिकल ऑपरेटर के डिपेंडेंट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर।
बस आप ये समझिए कि जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है उसमें हम तीन एक्सप्रेशन के बीच में परफॉर्मेंस करते हैं, तीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड पे, और अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो रॉन्ग होगा तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा एक्सप्रेशन नंबर थ्री पे। जैसे ये देख लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशनल ऑपरेटर है, अगर यह ट्रू है तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमको मिलेगा इस वैल्यू पे, अगर हमारा ये क्या है फॉल्स निकलेगा तो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा वाई पे। ठीक है, ट्रू रहेगा तो यहाँ पे मिलेगा एक्स पे, और फॉल्स रहेगा तो वाई पे मिलेगा। ठीक है, दोनों में से मिलेगा एक पे ही। और यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट में यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, अगर हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे देख लीजिए 5 डिक्लेयर किया गया, डिफाइन किया गया, और वाई की वैल्यू को 3 डिफाइन किया गया। ये देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारा दिया गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 5 दी गई है और यहाँ पे वाई वाई की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है। सो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन करेक्ट है तो हमारा जो वैल्यू है वो हमको कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट नंबर एक्स पे मिलेगा। क्यों एक्स पे मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। सो जो हमारी वैल्यू है वो हमको क्या प्राप्त होगी, पी पे 0 प्राप्त होगा एंड 1 प्राप्त होगा, क्योंकि कंडीशन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसे हमको कोई भी ऑपरेटर दिया गया है उसकी साइज हमको पता करनी है कि इसकी जो साइज है लिमिट है वो क्या है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको समझते हैं, यह ऑपरेटर भी एकल ऑपरेटर का ही उदाहरण है और यह ऑपरेटर किसी एक वेरिएबल पर क्रिया करता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल पर क्रिया करता है, वेरिएबल द्वारा मेमोरी में घेरे गए स्थान को वापस करता है। इस ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार है, साइज ऑफ और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन। साइज ऑफ जो है वो हमारा कीवर्ड है, उसको हमको यूज़ करना ही है, और उसके बीच में हमारा एक्सप्रेशन है। जैसे हमारा इंट ए जो भी हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, जिसका भी हमको साइज पता करना है वो हम यहाँ पे बीच में दे सकते हैं, वेरिएबल बी। ठीक है, यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है किसी भी प्रकार का वेरिएबल या कोई भी प्रकार का डाटा टाइप हो सकता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए जैसे साइज ऑफ इंट, यहाँ पे जो हमारा इंटीजर टाइप का मान लीजिए कोई भी डेटा डिक्लेयर किया गया है उसको यहाँ पर उसका साइज आप ऐसे पता कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग केवल यही सेम टू सेम रन कराते हैं साइज ऑफ इंट, तो हमारा जो वैल्यू है वो हमको 2 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो इंटीजर टाइप डाटा टाइप होता है वो मेमोरी में 2 बाइट का स्थान फिल करता है, घेरता है। ठीक है, सो साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा हम जो भी ऑपरेटर होते हैं या फिर जो भी हमारे इस ऑपरेटर की का यूज़ करके हम जो भी वेरिएबल होते हैं या फिर जो भी हमारे डेटा टाइप होते हैं उनका हम लोग साइज पता कर सकते हैं कि उसका जो साइज है वो क्या है। ठीक है, या फिर उसने कितना स्टोर किया, मेमोरी में कितना स्थान स्टोर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और दो तीन लास्ट के जो टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। सो आई होप आपको आज का जो क्लास है थोड़ा सा लेंथ इसका इंक्रीज है, बट आपको समझ में आया होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा गया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आपके जो भी डाउट हैं वो वहाँ पे आप बता सकते हैं, फीडबैक भी बता सकते हैं अबाउट आपको क्लास से संबंधित। अगर चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, तो भी आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के पास पहुँच जाएगा, जिससे उनको पता चल जाएगा कि जो हमारा न्यू बैच है वो स्टार्ट हो गया है और अभी से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे, अच्छे नंबर गेन करेंगे, अच्छे प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी घर बैठे फ्री में यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर क्लास में आपके अटेंडेंस के लिए, फीडबैक के लिए। जय हिंद।